हमीरपुर जिला में तेज बारिश ने जमकर कहर बरपाया है और पूरे जिला में बारिश से तबाही हुई है। हमीरपुर जिला में केवल हमीरपुर से नदौन संपर्क मार्ग को छोड़ बाकी सारे संपर्क मार्ग बाधित हैं। वहीं अगर बात करें तो हमीरपुर से शिमला राजमार्ग पर टिक्कर के पास कुन्हा खड्ड पर बने पुल का एक किनारा ध्वस्त होने पर सुबह तड़के से ही यातायात बाधित रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण बोरंस के जलोक पंचायत में घर पर लहासा गिरने से एक घर के अंदर सो रही दादी और पोती की मौत होने का समाचार मिला है। हमीरपुर उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि रात भर से हुई बारिश के चलते संपर्क मार्ग के बंद होने पर जिला प्रशासन ने जिला भर के स्कूलों में भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश से लद्रौर के पास झलोकर पंचायत में मकान पर लहासा गिरने से दादी और पोती की मौत हुई है। बाकी दोपहर तक बंद पड़े संपर्क मार्गों को खुलवाया जा रहा है और केवल एकमात्र राजमार्ग हमीरपुर शिमला पर पुल के पास वैली ब्रिज बनाया जाएगा। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि जिला भर में बारिश से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और फौरी राहत के तौर पर भी सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर राहत दी जा सके। हाँ, भोरंज में एक बहुत ही दुखद घटना घटी जिसमें कि दो लोगों की कैजुअल्टी हुई। तुरंत मौके पर पहुंच के वहां पे इमीडिएट रिलीफ दे दिया गया है, साथ ही जो अगल बगल के घर थे उनको भी एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारी टीम अभी भी मौके पर मौजूद है ताकि जिन घरों को खतरा है वहाँ पे लोगों को अवगत करवाया जाए और जो भी मेजर्स हैं प्रिवेंटिव वो तुरंत ले लिए जाए। जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है जहाँ पे एक पुल के पास डैमेज हो गया है, वहाँ पे NH की टीम द्वारा उनको निर्देश दे दिए गए हैं, वो टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और अभी उस वहाँ पर ट्रैफिक इवन पैदल चलने वालों के लिए भी उस रोड को बंद कर दिया गया है जब तक कि टेम्परेरी अरेंजमेंट अच्छे से वहाँ पे उसको सुचारू रूप से चलाना शुरू नहीं किया जाता। बारिश की वजह से जिला में नुकसान हुआ है, काफ़ी लिंक रोड्स भी बंद हो गए हैं। एज पर आर रिपोर्ट अराउंड 40 रोड जिला में बंद हुए हैं जिसमें से काफ़ी खोले भी जा चुके हैं, जैसे कि हमीरपुर सुजानपुर रोड ये खोल दिया गया है। पहले फोकस किया जा रहा है जितने भी मेन रोड हैं, हमारी पूरी टीम PWD की NH की सब लगी हुई है मौके पे, हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स पुलिस और सभी रोड्स को खोला जा रहा है। साथ साथ लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है क्योंकि खड्डों में भी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ स्तर पे है, तो उनको हिदायत दी जा रही है कि कोई भी खड्डों के नदियों के नालों के पास नहीं जाएगा। आज के दिन सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में भी अवकाश भी घोषित हमने सुबह ही करवा दिया गया था ताकि हमारे बच्चे जो हैं इस मौसम में ट्रैवल ना करें। वहीं बरसर के दंगोट्टा खड्ड में पानी की तेज बहाव में एक बाइक बह गई, इसे की JVC की मदद से बाहर निकाला गया। बीती रात से हो रही तेज बारिश के कारण खड्ड में जल स्तर बढ़ गया जिसकी वजह से बाइक पुलिस से बह गई।